नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। और सबसे पहले बात बिहार की कर लेते हैं, जहां पर कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और बिहार सरकार की बद इंतजामी की तस्वीरें भी आज तक लगातार आपको दिखा रहा है और जिसका अब असर भी दिखने लगा है। पटना के NMCH अस्पताल के अधीक्षक का तबादला कर दिया गया है। एम्बुलेंस बोलती है कि हम नहीं आएंगे, मेरे पास ये ऑक्सीजन, ये टेम्पो से लेकर आई हैं और ये अपनी गाड़ी से पेशेंट पॉजिटिव है और आज उसको निकाल दिया गया। डेथ हो गया है उनका, डेथ हो गया। ये लोग इलाज कुछ नहीं किया, खाली बस ला के पार के लोग से एकदम नहीं कहा गया कि टेस्ट होना है आपका, खाली बॉडी बोल दिया है। हाँ, ना हम लोग का टेस्ट करवा रहे हैं, ना किसी का टेस्ट करवा रहे हैं। बदहाल अस्पताल, बेहाल मरीज और चरमराती बिहार की कोरोना जंग। आज तक ने बिहार सरकार के कोरोना के खिलाफ इंतजामों के दावों की पोल खोली। पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज में मरीजों का क्या हाल है, इसका सच आज तक ने देश के सामने रखा। पावापुरी मेडिकल कॉलेज में गए, वहां पर हम जाके 2 घंटा का इसी पर बैठे हुए हैं। सब डॉक्टर से, नर्स से रिक्वेस्ट करते रह गए, हमारा ड्राइवर किसी को कुछ ताकने के लिए नहीं आया और अंत में फिर कुछ बात करने भी नहीं आया। अंत में फिर हम बोले, अपने परिवार को फोन किया, तब जाके फिर समझ में आया तो हम यहाँ की चलो NMCH में कुछ होगा। यहाँ भी हम 3 घंटे से बैठे हुए हैं। आज तक पर इस रिपोर्ट के आने के बाद बिहार प्रशासन में हड़कंप मच गया, सुशासन सरकार की नींद खुली और NMCH पटना के अधीक्षक निर्मल कुमार सिन्हा का तबादला कर दिया गया। NMCH पटना में कोविड अस्पताल है, जहां के इंतजामों का बुरा हाल आज तक ने दिखाया था। और ये जो एडमिट हो गए हैं कोरोना पेशेंट NMCH अस्पताल में, वो ऐसे खुद अपना ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जा रहे हैं। अपना अगर नहीं होता तो हम सब मर जाते, अगर ही नहीं रहा। हम अपने नेबलाइज किए हैं, सांस नहीं ले पा रहे हैं। तू निकलिए, वो कहां गया मिस, कोई देखने वाला नहीं हमको। तो आखिरकार तमाम कोशिशों के बाद उन्हें इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट किया गया है। कागज तैयार नहीं है, लेकिन किसी कर्मचारी की अंतरात्मा जागी जिसने कहा कि चलिए कागज बाद में तैयार होंगे, पहले हम आपको अंदर लेकर चलते हैं। जो बिहार कल तक कोरोना के कम केस को लेकर राहत की सांस ले रहा था, वहां अब हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। नीतीश ने 31 जुलाई तक संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया है, लेकिन हालात काबू में आते नजर नहीं आ रहे हैं। कोरोना के केस 27,000 के पार पहुंच चुके हैं। मजदूरों की घर वापसी के बाद बिहार में कोरोना ने रफ्तार पकड़ी और केस में तेजी से बढ़ोतरी शुरू हो गई। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय बिहार सरकार की कोरोना के खिलाफ रणनीति से संतुष्ट नजर आ रहा है। जब माइग्रेंट पॉपुलेशन वहां पर वापस गई थी तो स्टेट ने उसको बड़े अच्छे ढंग से मैनेज किया और केसेस का स्प्रेड रोकने में स्टेट काफी हद तक सफल रही। उसके साथ ही जब केसेस की दर वहां पर थोड़ी बढ़ने लगी तो स्टेट ने एक बड़े प्रोएक्टिव स्टेप के रूप में पूरी स्टेट में वहां पर लॉकडाउन इस मंथ एंड तक लगाया हुआ है। बिहार में कोरोना के बिगड़ते हालातों ने सियासत को गर्म कर दिया। चुनाव सिर पर हैं और कोरोना के बेकाबू हालात एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनने को तैयार है। विपक्ष जहां लगातार कोविड पर खुली पोल को लेकर नीतीश सरकार पर निशाना साध रहा है, तो वहीं बिहार सरकार लगातार बचाव के मोड में नजर आ रही है। तेजस्वी के लगातार हमलों के बीच अब राहुल गांधी ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। बिहार में कोरोना महामारी की स्थिति नाजुक है और राज्य सरकार के नियंत्रण से बाहर हो चुकी है। अस्पताल वार्ड में लावारिस शव का पड़े होना बिहार सरकार के सुशासन का पर्दाफाश करता है। बहरहाल बिहार में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। सियासत गर्म है, लॉकडाउन जारी है, लेकिन सरकार के इंतजाम सवालों के घेरे में है। सुजीत झा और रोहित सिंह के साथ श्वेता सिंह, पटना आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।